छोटी वाली जगह पे खुजली, मल द्वार पे खुजली, गुदा स्थान पे खुजली, एनल इच या प्रोरिटिस एनआई, बच्चे बूढ़े जवान सब लोग इससे परेशान रहते हैं। क्या है इसका इमीडिएट सॉल्यूशन, कैसे तुरंत इसमें आराम मिलेगा और आगे से कैसे इसे हम हमेशा के लिए इसे रोक सकते हैं, उसके लिए देखिए आयुर्वेद की अगर मैं बात करूं तो आयुर्वेद का दुनिया का सबसे अच्छा समाधान वो भी आपको बताऊंगा, और अगर मैं एलोपैथी की बात करूं तो एलोपैथी का भी जो सबसे अच्छा सॉल्यूशन वो भी आपको बताऊंगा। मैं आयुर्वेद की बात करूं तो जात्यादि तेल दुनिया में सबसे अच्छा तरीका है इसका कि जिससे कि पोटी वाली जगह की खुजली एकदम ठीक हो जाएगी, इससे अच्छा कोई तरीका हो नहीं सकता। अगर मैं एलोपैथी की बात करूं तो ये ट्रिपल एक्शन क्रीम जो कि प्रधानमंत्री जनऔषधि केंद्र से केवल 28 रुपए की मिलती है, इससे तुरंत खुजली में आराम मिलता है, तो ये आप यूज कर सकते हैं। लेकिन अल्टीमेटली आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि इसके लिए क्या खाएं, ये ध्यान रखें, फिर हम क्या ना खाएं ये भी ध्यान रखें, इसके बारे में डिटेल में बताऊंगा एक एक चीज के बारे में। फिर क्या है इसका हमारा लाइफ स्टाइल से कनेक्शन, लाइफ स्टाइल में हम क्या करें क्या ना करें जिससे कि पोटी वाली खुजली कभी हो ना, में ऐसी जगह पे खुजली ना हो, उसके लिए डिटेल में मैं ये आपको बता रहा हूँ, आप लगातार जुड़े रहे। इसका जो सबसे बड़ा कारण है वो है कि यहाँ पे मिक्स इन्फेक्शन हो जाता है, कई सारे फैक्टर्स जब मिलते हैं आपस में तो बैक्टीरियल फंगल माइट्स या कीड़े उनके इन्फेक्शन से दिक्कत होती है। तो बैक्टीरियल फंगल इन्फेक्शन हो उसके लिए सबसे अच्छा तरीका कि हाइजीन का ध्यान रखें, जब भी खाना खाएं खाना खाने से पहले हाथ धोएं, खाना खाने के बाद हाथ धोएं, पोटी जाने से पहले हाथ अच्छी तरह धोएं, पोटी जाने के बाद भी अच्छी तरह से हाथ धोएं, ये सारे स्टेप्स आपको फॉलो करने होंगे। बच्चे बूढ़े जवान सब लोग इन बातों का ध्यान रखें, तो हाइजीन का जरूर ध्यान रखें। दूसरा है कि पाइल्स या बवासीर की शिकायत हो, हेमरॉइड्स होते हैं अगर इंटरनल हेमरॉइड्स या एक्सटर्नल हेमरॉइड्स, तब भी पोटी वाली जगह में खुजली होती है, उसका कारण होता है कि इन्फ्लेमेशन की वजह से उसमें से केमिकल्स निकलते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन, जो प्रोस्टाग्लैंडिन केमिकल निकलते हैं वो अंदर की दीवार को, जो पोटी वाली जगह की एनस की दीवार है उसमें से मास सेल्स को तोड़ देते हैं, मास सेल्स के फूटने से टूटने से वहां पे हिस्टामिन रिलीज होता है, तो हिस्टामिन पोटी वाली जगह की खुजली का कारण होता है। तो ऐसा ना हो उसके लिए अपने पाइल्स हेमरॉइड्स उनको भी जरूर ठीक कर ले, कब्ज का सोल्यूशन करें, अगर बच्चों के पेट में कीड़े हैं तो कीड़ों की दवाई जरूर दे दे, ये ध्यान रखें। अब मैं आपको बताता हूँ डायट्री हैबिट्स, जो फूड हैबिट्स हैं, रॉन्ग फूड हैबिट्स पोटी वाली जगह की खुजली का बहुत बड़ा कारण है। एक तो कोई भी बासी चीज ना ले, जो प्रिजर्व फूड है, जो बाजार से आया हुआ फूड है, जो पैकेट बंद फूड है, इससे हमेशा बचें, प्रोसेस फूड ना लें। इवन बेकरी के प्रोडक्ट्स भी, ब्रेड बिस्किट रस, ये भी बासी भोजन है। अगर मैं आयुर्वेद की बात करूं तो आयुर्वेद ने ऐसा बताया है कि जो 48 मिनट के अंदर चीज बनी या 48 मिनट के अंदर चीज बनी वही लाइव फूड है, उसके अलावा सारा डेड फूड है, उसे बीमारियां होंगी। और फिर मिर्च मसाले का उपयोग ज्यादा ना करें, जितने ज्यादा मिर्च मसाले होंगे उतना ही ज्यादा हमें ज्यादा पानी पीना पड़ेगा बार बार, हमारे शरीर का पित्त बढ़ेगा और फिर ये खुजली शांत होने का नाम नहीं लेती। मान लो कोई ट्रीटमेंट भी कर लेंगे वो भी इफेक्टिव नहीं रहेगा। अगर आपने मिर्च मसाले खाए, अगर आपने चाय पी, अगर आपने कॉफी पी, तो फिर ये किसी दवाई से भी ठीक नहीं होगी। इसलिए अपनी आदतें भी सुधारें, इसके बजाय फल खाएं, फलों में इनबिल्ट वाटर होता है, फिर उसके बाद हमें अलग से पानी नहीं पीना पड़ता। ऐसा खाना खाएं कि हमें पानी पीना ही ना पड़े, लगभग कम से कम पानी पीने से काम चले। इसी तरह से सलाद खाएं और उबला हुआ पतला खाना खाएं, पतली दाल, पतली सब्जी, पतला दलिया जिसमें इनबिल्ट वाटर ज्यादा हो, सूखी चीजें ना खाएं, मोमोज नूडल्स या फिर पिज्जा बर्गर, ये सब पोटी वाली जगह पे खुजली को सारे वो करते हैं, बढ़ावा देते हैं, इसे बचना पड़ेगा। अब मैं बात करता हूँ कपड़ों की। अगर हम सिंथेटिक टाइट वियर के कपड़े पहनेंगे, टाइट फिट कपड़े ऐसे, इनसे बड़ी ज्यादा वहां पे स्वेटिंग होती है, पसीना भी आता है, तेल भी हो जाता है पोटी वाली जगह पे, उससे फिर खुजली बार बार होती है। इसके बदले में अब देखिए, ये है मेरा अंडरवियर सूती कपड़े का, बचपन से लेके अभी तक पापा भी ऐसे पहनते थे, मैं भी ऐसे पहनता हूँ, ये सूती कपड़े का अंडरवियर है। ये है मेरा लंगोट जो मैं यूज करता हूँ सूती कपड़े का, ये बड़ा अच्छा रहता है। ये है ये बनियान, 20-25 ग्राम की बनियान है, ये यूज करता हूँ। देखिए कितनी अच्छी बनियान होती है, वो गर्मियों के लिए है और ये सर्दियों के लिए है, ये बनियान कितनी अच्छी है सूती कपड़े में। ये मेरी समीज कहते हैं इसे, या कमरी कहते हैं, हरियाणा में समीज या कमरी बोलते हैं, ये सूती कपड़े की खादी आश्रम की है, खादी समीज, ये बड़े अच्छे रहते हैं। ये ओढ़ने का जो सूती कपड़ा देखिए कितना हल्का सूती कपड़ा, नॉन स्ट्रेचेबल है सारे कपड़े, है ना। तो ये और इसी तरह से बिछाने की चादर, और जो मेरी पैंट है, पैंट भी देखा जाए तो ये सूती कपड़े का बेसिकली पजामा ही है, सूती कपड़े की बना रखे हैं मैंने, तो ये बड़ी अच्छी रहती है। पैंट शर्ट ये सारी सूती कपड़े की बड़ी फायदेमंद रहती हैं, इससे कभी दिक्कत नहीं होती। उसके अलावा जो ओवरऑल बॉडी की फिटनेस है उसके ऊपर ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा, बॉडी की फिटनेस हाई क्वालिटी की रहे उसके लिए एक लाइफ स्टाइल का प्रोटोकॉल बनाना पड़ेगा। शाम को जब भी आप ऑफिस से आए, अपने वर्क प्लेस से आए, पहले हो सके तो नहा लें, आप अच्छी तरह से नहा लें। नहाने के लिए स्ट्रॉन्ग साबुन शैम्पू का यूज ना करें, अगर हल्का सा उपटन का यूज कर ले तो अच्छा रहेगा। मुल्तानी मिट्टी का उपटन आधा किलो 10 रुपए का होता है, और ये सप्त धान्य उपटन है, ये आधा किलो 15 रुपए का होता है, घर पे बना सकते हैं आप। ये यही 7 अनाज
यूज करके आप घर पे बना सकते हैं, इसे नहा लें। लेकिन खंगाल लें अच्छी तरह से, खूब दो तीन बाल्टी पानी से नहाए, आके नहा लें एक बार, फिर शाम का खाना जल्दी खा लें, सनसेट के आसपास खाना खा लें आधा घंटा पहले पीछे तक, फिर 2-3-4 किलोमीटर की वॉक जरूर करके आए शाम को, जिससे कि बॉडी की ओवरऑल फिटनेस अच्छी रहेगी, इम्यूनिटी का लेवल अच्छा रहेगा। तो फिर रात को जल्दी सो जाएं, 10 बजे तक सो जाएं, और फिर सुबह 4-4:30 बजे उठ के एक तो पहले मालिश करें पूरी बॉडी के तिल के तेल से, फिर नहा लें अच्छी तरह से। नहाने के बाद में आप एक तो योगा जरूर करें, अगर योगा करेंगे तो आपकी फिटनेस इतनी हाई क्वालिटी की हो जाएगी जैसे कि छत्रपति शिवाजी की थी, फिर आपके हौसले भी बुलंद, मोराल आपका हाई हो जाएगा, फिर इस तरह की बीमारियां होती नहीं, इस तरह की दिक्कतें नहीं होती। योगा भी करें और फिर सुबह रनिंग भी करके आए। जो लोग मोटे लोग हैं वो जब पहले डेली मालिश करेंगे, डेली योगा करेंगे, तो फिर उनमें जॉगिंग करने की हिम्मत आ जाएगी, और फिर 1-2 महीने के बाद ही पहले वॉक करना सीखे 4 किलोमीटर की, फिर जॉगिंग करके आए, उससे ओवरऑल फिटनेस बढ़ जाएगी। फिर इंटरमीडिएट फास्टिंग को फॉलो करें कि जो भी आप खाना खाते हो खाना पूरा 100% बर्न हो जाए। अगर खाना 100% बर्न हो जाएगा फिर अनडाइजेस्टेड फूड होगा नहीं बॉडी में, और उससे फिर बॉडी वाले जगह पे खुजली नहीं होगी, बैक्टीरियल वायरल फंगल इन्फेक्शन ज्यादा नहीं होंगे, फिर उससे बचाव रहेगा। मैंने तो अपने रिलेटिव्स को कह रखा है, जितने भी मेरे रिश्तेदार हैं इस बिल्डिंग में, जो बिल्डिंग है तो इसमें 30-40 रूम्स हैं हमारे पास, तो उसमें मैंने कहा है कि मेरे पास 15 दिन आके रह के देख लो, 15 दिन रहोगे तो कोई लाइफस्टाइल डिसीज रह ही नहीं सकती, इतनी हाई क्वालिटी की लाइफस्टाइल मेरी है, और मैं यही बताता हूँ हमेशा। और जो बाकी व्यूअर्स हैं उनको मैं कहता हूँ कि मेरे जो यूट्यूब का चैनल है जगदम्बा बीबी केयर, इसमें हर बीमारी के बारे में, हर सब्जी के बारे में, हर फल के बारे में, और डिसीज प्रूफ लाइफस्टाइल के बारे में बड़ी सारी वीडियो हैं, उनको सबको एक एक करके देखें ध्यान से। अगर आपने सारी देख ली तो 100 वीडियो देखते ही आपको पता लग जाएगी कि मेरे खान पान रहने से में क्या गड़बड़ियां हैं, उनको आप खुद अपने आप सुधार लेंगे, जिससे कि ऐसी दिक्कतें दोबारा होगी नहीं। ऐसी कीमती इन्फॉर्मेशन सब लोगों को शेयर करें, किसी ना किसी को, हर किसी को कभी ना कभी ये चीज जरूर होती है, तो इसलिए आगे ऐसा ना हो करें। और मैं अपना कॉन्टैक्ट नंबर आपको दे रहा हूँ, अब तो मेरे पास बड़ी सारी वीडियो कॉल्स आती हैं आउट ऑफ इंडिया भी और इंडिया के हर स्टेट से वीडियो कंसल्टेशन के लिए, तो उस पर अपना अपॉइंटमेंट करवा के, इस जो मैं नंबर दे रहा हूँ इसी नंबर पर अपॉइंटमेंट करवा के आप मेरे से वीडियो कंसल्ट भी कर सकते हैं।